गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स आज हम पढ़ेंगे इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटनिकल नॉमिन तो आई सी बी को पढ़ने से पहले हम ये जाने कि टैक्सोनॉमी क्या है टैक्सोनॉमी जो है उसकी डेफिनेशन अगर हम बताएं तो डेफिनेशन है टैक्सोनॉमी में बी डिफाइंड एज द स्टडी एंड डिस्क्रिप्शन ऑफ द वेरिएशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स The investigation of the causes and consequences of this variation and the manipulation of the data obtained to produce a system of classification. तो yani ki organisms mein jo variation hai unki study and description, उनमें जो variation जो cause हुए हैं उनके causes and consequences क्या है और इससे जो data हमें मिलता है उससे एक classification system को बनाना, ये taxonomy है। तो टैक्सोनॉमी में आता है कि प्लांट्स का आइडेंटिफिकेशन कैसे हो और नॉम कैसे हो तो नॉम के लिए हम यूज करते हैं आई का ये है इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटनिकल नॉम इंटरनेशनल ये कोड जो है वो वर्ल्ड वाइड माना जाता है ये एक सेट ऑफ रूल्स है जिसमें उसके आई के रूल्स एंड रिकमेंडेशन है जो कि प्लांट्स के बॉटनिकल नेम्स को डील करता है यानी कि बॉटनिकल नेम्स जो है वो प्लांट के किस तरह से आपको रखने हैं उसको डील करता है उसके लिए रूल्स एंड रिकमेंडेशंस हैं तो टैक्सोनॉमी के जो ग्रुप हैं या हम टैक्सोन की बात करें तो एक टैक्सोन के लिए सिर्फ एक ही करेक्ट नेम होता है और इसको जो नॉमेन जो है उसके जो कोड हैं वो पब्लिश होते हैं इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ प्लांट एक्सट्रोनोमी में आईएपीटी में और इन कोड का अगर कोई रिवाइज्ड निकलता है उनके चेंजेस का कि इस कोड में ये चेंज होना चाहिए तो वो डिसाइड किया जाता है मीटिंग में जो कि है इंटरनेशनल बॉटनिकल कांग्रेस आईबीसी की मीटिंग्स में ये डिसाइड किया जाता है कि कोड में क्या चेंजेस हम कर सकते हैं ये है कोड्स ऑफ नॉम डिफरेंट कोड्स हैं जिनके शॉर्ट फॉर्म और फुल फॉर्म है जो आपको जानना जरूरी है जैसे सबसे पहले है आई इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटनिकल नॉमेन फॉर प्लांट्स आई सी एन सी पी इंटरनेशनल कोड ऑफ नॉम क्लेचर फॉर कल्टिवेटेड प्लांट्स आई सी जेड एंड इंटरनेशनल कोड ऑफ जोलॉजिकल नॉम एन क्लेचर आई सी एन बी इंटरनेशनल कोड ऑफ नॉम क्लेचर ऑफ बैक्टीरिया जो कि अभी इसको चेंज कर दी दि, कर दिया गया है बी सी यानी कि बैक्टीरियोलॉजिकल कोड ICVCN International Code of Virus Classification and Nomenclature और ICBN को चेंज करके अभी in 2011 में कर दिया गया है ICN यानी कि International Code of Nomenclature of Algae, Fungi and Plants ये history है ICBN की history में हम पढ़े तो 18th century में पोलिनोमियल नेम का यूज़ किया जाता था यानी कि प्लांट्स का नाम जो है वो सेवरल वर्ड से मिल के बना हुआ होता था जैसे एग्जांपल में हम देखें विलो प्लांट का, जिसका नेम है सैलिक्स प्यूमेला एंगस्टिफोलिया अल्टेरा ये 1583 में ये नाम दिया क्लूसियस ने जो कि पॉलीनोमियल है ये बहुत लंबे होते थे और इन्हें याद करना बहुत मुश्किल होता था इसलिए कैसपोबोहन ने बाइनोमल नोम सिस्टम दिया इन सिक्सटीन टी थ्री में जिसको यूज किया सबसे पहले ने 1753 में उनकी बुक एटीन थर्टीन में ए पी डी कैंडोले ने इस सेट ऑफ रूल्स को रूल्स बनाए और उन्हें यूज किया उनकी बुक में थियोरी एलिमेंटेरिया डीला बोथ में ये जो रूल्स बनाए उनको उनके सन हैं अल्फोंसो डी कैंडोले इन्होंने उस सेट ऑफ रूल्स को सेवरल कंट्रीज़ में भेजा कि हम ये रूल्स वर्ल्ड वाइड फॉलो कर सकते हैं जिससे कि एक बॉटनिकल नेम से हर एक देश में उस प्लांट को पहचाना जा सके तो उसके लिए फर्स्ट इंटरनेशनल बॉटनिकल कांग्रेस हेल्ड हुई इन पेरिस में 1867 में उसके बाद में बहुत सारी आ, मीटिंग्स हुई जो पेरिस में हेल्ड हुई उसे पेरिस कोड या कैंडोले रूल्स के नाम से जाना जाता है उसके बाद में बहुत सारी इंटरनेशनल बॉटनिकल कांग्रेस की मीटिंग्स हुई जिनमें अलग अलग रूल्स जो है वो बनाए गए और फाइनली आया इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ बॉटनिकल नॉम ये डिफरेंट मीटिंग्स हैं जो अलग अलग प्लेसेस पर हुई जैसे सबसे पहले जो हुई पेरिस में उसमें जो कोड आया उससे पेरिस कोड या कैंडोले रूल्स कहा उसके बाद में नेक्स्ट जो मीटिंग है वो वियना में हुई पेरिस कोड की बट अमेरिकन्स ने पेरिस कोड को मानने से मना कर दिया और तो उन्होंने एक नया कोड दिया रोचस्टर कोड 1892 में जिसका जिसमें उन्होंने कंसेप्ट ऑफ टाइप्स रखा एक रूल और दूसरा उन्होंने कहा कि स्ट्रिक्टली फॉलो होने चाहिए रूल्स ऑफ प्रायरिटी कोड के बाद में उन्होंने दिया वियना वियना कोड। कोड में उन्होंने रखा कि टोटो नेम्स जो है वो एक्सेप्टेड नहीं है टोटो नेम्स का मतलब होता है जीनर्स और, और स्पीसीज का सिमिलर होना और तो वो एक्सेप्टेड नहीं थे बॉटनिकल नॉम में और दूसरा उन्होंने दिया लेटिन डायग्नोसिस होना चाहिए यानी कि हर एक प्लांट का नाम लेटिन लैंग्वेज में होना चाहिए इसके बाद में फिफ्थ इंटरनेशनल बॉटनिकल कांग्रेस हुई कैम्ब्रिज में इन 1930। तब एक फाइनली ये दोनों जो कोर्स चल रहे थे इनका मैटर रिजॉल्व हुआ और एक ट्रूली इंटरनेशनल कोर्स जो है वो बना उसमें उन्होंने एक्सेप्ट किया कंसेप्ट ऑफ टाइप को रिजेक्शन ऑफ़ टोटो नेम्स को यानी कि टोटो नेम्स जो है वो एक्सेप्ट नहीं किए जाएंगे इसके अलावा लैटिन डायग्नोसिस जो है उसको मैंडेट्री कर दिया गया न्यू ग्रुप्स के लिए और एक अप्रूव किया गया कंजर्व्ड जेनरिक नेम्स को कंजर्व्ड जेनरिक नेम्स की एक लिस्ट पब्लिश की गई थी जिसमें जो नाम यूज़ किए जाते थे वो आई के रूल्स के अकॉर्डिंग नहीं थे मगर वो एज़ इट इज़ ही उन्हें यूज़ किया जाने लगा और तो उन्हें भले ही वो आई सी बी एन के रूल्स के अकॉर्डिंग नहीं थे फिर भी उन्हें ऐसे ही इन फ्यूचर यूज़ किया जाएगा ये एक लिस्ट आई थी इसके बाद मैं एटीनथ इंटरनेशनल बॉटनिकल कांग्रेस हुई मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया में इन जुलाई टू थाउजेंड इलेवन में जुलाई टू थाउजेंड इलेवन में उन्होंने नाम चेंज किया आई सी बी एन का और दिया आई सी एन जो कि है इंटरनेशनल कोड ऑफ नामिन ऑफ़ एलगी फंंचाई एंड प्लांट्स। इसके अलावा जनवरी फर्स्ट 2012 में उन्होंने जो पहले मैंडेट था कि लैटिन डायग्नोसिस ही होना चाहिए लैटिन लैंग्वेज ही आप यूज़ करेंगे उसको चेंज करके उन्होंने किया कि लैटिन लैंग्वेज के साथ में आप इंग्लिश डायग्नोसिस और या डिस्क्रिप्शन भी दे सकते हैं तो ये हुआ टू में इसके बाद में लेटेस्ट टू सेवेंटीन में हुई चाइना में इसे सेंचन कोड के नाम से जाना जाता है नेक्स्ट आता है बायोनॉमियल नॉम क्लेचर तो बायोनॉमियल नॉम क्लेचर आप सभी जानते हैं एक प्लांट का नाम दो वर्ड्स से मिलकर के बना हुआ है और जो वर्ड्स जो हैं उनका लैटिन लैंग्वेज यूज करके बनाए जाते हैं दो वर्ड से है इसलिए इसे बोलते हैं बायनोमियल नॉम इसके अलावा जो फर्स्ट पार्ट है नाम का उसे जेनरिक नेम बोलते हैं और जो सेकंड पार्ट है उसे स्पेसिफिक नेम बोलते हैं यानी कि फर्स्ट पार्ट जो है वो जीनस का नाम होता है और सेकंड पार्ट जो है वो स्पेसीज का नाम होता है अब आता है कि लैटिन लैंग्वेज ही हम क्यों यूज करते हैं लैटिन लैंग्वेज के लिए लीनियस और अदर साइंटिस्ट ने सोचा क्योंकि बिकॉज लैटिन लैंग्वेज इज वॉज़ अ डैड लैंग्वेज तो ये एक डेड लैंग्वेज थी तो उन्होंने सोचा कि हम ये लैंग्वेज यूज़ करें तो इसमें बहुत ही कम चेंजेस आते हैं क्योंकि ये यूज़ में नहीं आती है तो ये डैड लैंग्वेज है इसके अलावा इसके uh, क्योंकि डेड लैंग्वेज है इसलिए इसके स्पेसिफिक और एग्जैक्ट मीनिंग होते हैं और उनके अलग अलग जो हैं जैसे वाइट के लिए एल्बम यूज़ किया जाता है एंड uh, न्यूटर में वाइट के लिए अगर न्यूटर हम टर्म बोलेंगे तो एल्बम होगा अगर फेमिनाइन हम उसको यूज़ कर रहे हैं तो एल्बा बोलेंगे सिमिलर वाइट कलर के लिए और मेस्कुलन अगर करेंगे अपन उसको तो एल्बस बोलेंगे तो ये डिफरेंट उसके लिए सेंस थे और इसके अलावा इसमें रोमन अल्फाबेट को यूज़ किया जाता है लैंग्वेज में इसलिए इसे यूज किया गया ये आईसीबीएन uh, को डिवाइड किया गया है इसके प्रिंसिपल्स में रूल्स एंड रिकमेंडेशन इसका सेकेंड पार्ट है और थर्ड पार्ट है इसका प्रोविजन फॉर गवर्नेंस ऑफ कोड। सबसे पहले हम पढ़ेंगे प्रिंसिपल्स ऑफ आईसीबीएन प्रिंसिपल्स में सबसे पहला प्रिंसिपल है बॉटनिकल नोमक्लेचर इज इंडिपेंडेंट ऑफ जुलजिकल नोमनक्लेचर तो जो बॉटनिकल नोमनक्लेचर है प्लांट्स का वो जोलॉजिकल नोमनक्लेचर या बैक्टीरियोलॉजिकल नोमनक्लेचर से इनडिपेंडेंट है जैसे जुलॉजिकल नॉमेनक्लेचर में टॉटोनीम्स तो का यानी कि जीनस और स्पेसीज का नाम सिमिलर होने पर वो एक्सेप्टेबल है बट बॉटनिकल नोमनक्लेचर में वो एक्सेप्टेबल नहीं है जैसे एग्जाम्पल के लिए हम बात करें तो जोलॉजिकल नॉमेनक्लेचर में नाजा नाजा एक्सेप्टेबल है बट बॉटनिकल नॉमेनक्लेचर में पहले यूज़ किया गया था पायरस मैलस को का नाम मैलस मैलस जो कि स्पेसीज़ और जीनस का नाम सिमिलर था इसलिए वो रिजेक्ट हो गया और उसका नाम चेंज करके पायरस मैलस किया गया तो मैलस मैलस जो है वो एक्सेप्टेबल नहीं है बॉटनिकल नोमिनक्चर में तो बॉटनिकल नॉमेक्लेचर जो है वो इंडिपेंडेंट है जोलॉजिकल नॉमेनक्लेचर से नेक्स्ट आता है एप्लीकेशन ऑफ नेम्स ऑफ टेक्सोनिक ग्रुप इज़ डिटरमाइंड बाय द मीन्स ऑफ नॉमेनक्लेचर टाइप तो हर एक टेक्सोनॉमिक ग्रुप के लिए एक नॉमेनक्लेचर क्लेचर टाइप यूज़ किया जाता है उसको नाम देने के लिए चाहे वो फैमिली हो चाहे जीनस हो चाहे स्पेसीज हो चाहे ऑर्डर हो कोई भी टैक्सोनिक ग्रुप हो कोई भी टेक्सॉन हो उसमें एक नॉमन टाइप यूज़ किया जाता है उसके उसको नाम देने के लिए नेक्स्ट है द नॉमेन क्लेचर ऑफ अ टैक्सोनॉमिक ग्रुप इज बेस्ड अपॉन प्रायोरिटी ऑफ पब्लिकेशन तो जिसने पहले वैलिडली पब्लिश किया है वो किसी भी टेक्सोनॉमिक ग्रुप का नाम वो वैलिड माना जाएगा तो ये जो है उन्होंने दिया कि नॉमेन क्लेचर जो है वो कम्प्लीटली डिपेंड होगा बेस्ड होगा प्रायोरिटी ऑफ पब्लिकेशन में किसी ने सेवनटीन uh, एटी फाइव uh, में 1785 में नाम दिया किसी प्लांट को उसका नॉमिन किया और दूसरे किसी साइंटिस्ट ने सिमिलर प्लांट को नेमिंग की 1835 में अगर ऐसा है तो जो सेवनटीन एटी फाइव वाला जो नाम है जो सेवनटीन एटी थ्री में दिया गया था वो नाम वैलिड माना जाएगा जो पहले दिया गया है वो नाम वैलिड माना जाएगा अगर वो आई सी बी एन के रूल्स के अकॉर्डिंग है तो और बाद वाला जो है वो रिजेक्ट हो जाएगा तो ये है और उन्होंने वैलिडली पब्लिश भी किया हुआ हो तो ये कहलाता है प्रायोरिटी ऑफ पब्लिकेशन कि जिसने पहले पब्लिश किया वो वैलिड माना जाएगा तो किसी भी टेक्सोनॉमिक ग्रुप का नेम जो है वो बेस्ड है प्रायोरिटी ऑफ पब्लिकेशन पर नेक्स्ट है ईच टेक्सोनॉमिक ग्रुप विद अ पर्टिकुलर सर्कमस्क्रिप्शन पोजिशन एंड रूट कैन बी एनली वन करेक्ट नेम द अर्लीस्ट दैट इज़ इन अकॉर्डेंस विद द रूल्स एक्सेप्ट इन स्पेसिफिक केसेस स्पेसिफिक केसेस को छोड़ करके हम अगर बात करें तो किसी भी टेक्सोनिक ग्रुप के लिए सिर्फ एक ही करेक्ट नेम होगा जो कि रूल्स के अकॉर्डिंग दिया हुआ होगा वो वही करेक्ट नेम होगा नेक्स्ट है साइंटिफिक

ये हैं डिफरेंट रूल्स आई के फर्स्ट है रैंक ऑफ टैक्सा सेकंड है टाइपिफिकेशन थर्ड है रूल्स ऑफ प्रायोरिटी फोर्थ है ऑथर साइटेशन फिफ्थ है इफेक्टिव एंड वैलिड पब्लिकेशन सिक्स है चॉइस ऑफ नेम्स सेवेंथ है रिजेक्शन ऑफ नेम्स ये डिफरेंट रूल्स हैं आई के जो हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे तो आज हमने देखा आई क्या है आई का हमने पढ़ा उसका इंट्रोडक्शन क्या है आई की के शॉर्ट फॉर्म्स क्या हैं उसके बाद में आई किस तरह से बना उसकी हिस्ट्री क्या है कौन कौन से कोड टाइम टू टाइम आए इंटरनेशनल बॉटनिकल कांग्रेस की जब मीटिंग होती थी तो कौन कौन से कोड आए उसमें क्या क्या चेंजेस हुए उसके बाद में हमने देखा कि आई में लैटिन लैंग्वेज को ही क्यों यूज़ किया जाता है बाइनोमियल नॉम एंड क्या है और आई के प्रिंसिपल्स क्या हैं और नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे आई के रूल्स थैंक यू